मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, मेरे क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर बताओ। वो कौन सा एक ऐसा तरीका है या फिर वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम स्टार्स को दिन के समय सूरज रहते हुए देख सकते हैं? टोटल सोलर एक्लिप्स। अगर आप एकदम सही जगह पर और सही समय पर एक साफ आसमान के नीचे खड़े हो, एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां पर मून एकदम सन और अर्थ के बीच अलाइंड है, तब जब मून सन के आगे आ जाता है तब उस समय एक प्रीशियस मोमेंट बनता है जहां पर वहां के आसपास के सभी स्टार्स आपको दिखने लगते हैं। गूगल पर टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीरें तो आपको बहुत सारी दिख जाएगी, लेकिन ये तस्वीर खास है क्योंकि इस फोटो के साइड में जो स्टार्स है वो थोड़े अलग है, क्योंकि ये स्टार्स अपनी जगह पर नहीं है। ये एक ऐसा रेडिकल आइडिया है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया और जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी बदल दी। आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज जो आपको पता चलेगा वो शायद आपने पहले कभी भी कहीं नहीं सुना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। 1687 में पब्लिश्ड आइजैक न्यूटन की बुक प्रिंसिपिया में न्यूटन ने ग्रेविटी को डिफाइन करा। न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीज़ों को एक दूसरे से अलग करती है, चाहे वो बड़े बड़े स्टार्स, प्लैनेट्स या सन ही क्यों ना हो। सभी में ग्रेविटी के कारण ही डिस्टेंस होता है और उसी की वजह से सभी प्लैनेट्स एक ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और लगभग 200 सालों तक लोगों ने यही माना कि स्पेस में प्लैनेट्स और बाकी चीज़ों के बीच ग्रेविटी वर्क करती है और जिसकी वजह से प्लैनेट ऑर्बिट करते हैं। हालांकि न्यूटन एक तरफ से सही थे, बट इस चीज़ को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अलग ही तरीके से सोचा। 1915 में पब्लिश्ड आइंस्टाइन की एक फेमस थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस में ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटी नहीं काम करती, बल्कि आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम दोनों इंटरटॉइंट है, यानी दोनों एक दूसरे से बंधे पड़े हैं। और स्पेस में एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि सन अपने आसपास के स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड कर देता है और इसी वजह से उस बड़े ऑब्जेक्ट के मास की वजह से स्पेस टाइम में सभी ऑब्जेक्ट्स डाइवर्ट हो जाती है, यानी अपनी ओरिजिनल जगह से अलग हो जाती है। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसको ध्यान से सोचो, वीडियो पीछे करके दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा है और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। अगेन इसको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसको ऐसे समझो कि स्पेस और टाइम दोनों साथ मिलकर स्पेस में एक 4-डायमेंशनल फैब्रिक बनाती है, यानी स्पेस में एक कपड़े टाइप का कुछ बना देती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेस टाइम। और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स इस स्पेस टाइम में इस कपड़े को यानी 4-डायमेंशनल फैब्रिक को चेंज कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट या डाइवर्ट कर सकते हैं। नाउ जैसे कि यूनिवर्स में सभी चीज़ें स्पेस टाइम में ट्रेवल करती है, सो इसका मतलब है कि लाइट भी स्पेस टाइम में ही ट्रेवल करेगी। और अगर आइंस्टाइन सही है तो लाइट भी डाइवर्ट होगी, यानी अपनी ओरिजिनल जगह से बेंड होगी। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स और अनबिलीवेबल कॉन्सेप्ट ने लोगों को हिला कर रख दिया। इस थ्योरी ने लोगों के होश उड़ा दिए क्योंकि लोगों को और साइंटिस्ट को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे एक लाइट भी अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट होके बेंड हो सकती है। नाउ अब आइंस्टाइन को इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ करना पड़ता कि लाइट भी बेंड हो सकती है, वो भी डाइवर्ट हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से उस समय ये प्रूफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि ऐसी चीज़ को लैब में एक्सपेरिमेंट ही नहीं करा जा सकता था, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक केवल बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट यानी स्पेस में एक विशाल चीज़ जैसे कि एक सूरज ही इस एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक सन की वजह से ही लाइट बेंडिंग इफेक्ट को दिखाया जा सकता था। पर जैसे कि आइंस्टाइन एक असली सूरज को अपने लैब में नहीं ला पाता तो वो एक्सपेरिमेंट भी प्रूव नहीं कर पाए। पर उसके ठीक 4 साल बाद मई 1919 में एक टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ और उस एक्लिप्स ने एक एस्ट्रोनॉमर को जिसका नाम सर ऑर्थर एडिंगटन था उसको ये थ्योरी एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका दिया। जैसे कि वो समय World War I का समय था और आइंस्टाइन जर्मनी में थे तो ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए टेस्ट करना पॉसिबल नहीं था, बट एडिंगटन ने एक एस्ट्रोनॉमर के साथ मिलकर जिसका नाम फ्रैंक डायसन था उनके साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने का सोचा। एक्लिप्स शुरू होने से पहले ही साइंटिस्ट ने स्पेसिफिक जगह पर जहां पर वो सोलर एक्लिप्स होने वाला था उन्होंने उस जगह के सभी स्टार्स के कोऑर्डिनेट को नोट कर लिया था। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बेसिकली करना क्या चाहते थे वो लोग, आइंस्टाइन की थ्योरी प्रूफ कैसे होगी? वेल, आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उन साइंटिस्ट को 2 फोटोग्राफ्स को कंपेयर करना था, पहली एक्लिप्स होने से पहले की स्टार्स की फोटो और दूसरी एक्लिप्स के वक्त की स्टार्स की फोटो। अगर उन दोनों फोटो में वही सेम स्टार्स अपनी जगह से अलग अलग होंगे तो आइंस्टाइन की थ्योरी प्रूव हो जाएगी।
न केवल इस एक फोटो को लेने के लिए दुनिया भर से पावरफुल फोटोग्राफिक टेलीस्कोप्स को मंगवाया गया और सभी चीजों को सेट करने के बाद सालों की मेहनत के बाद मई 1919 के वक्त ब्राजील में ये फोटो क्लिक हुई। ये फोटो है उस समय की टोटल सोलर एक्लिप्स की और इसी ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आइंस्टाइन की जिंदगी बदल दी। इंग्लैंड जाके एडिंगटन ने इस फोटो को नाइट स्काई वाली फोटो से कंपेयर करा और रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। इस कंपैरिजन में यह साबित हुआ कि एक्लिप्स के वक्त की स्टार्स की पोजीशन शिफ्ट हुई बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था। आइजैक न्यूटन के कैलकुलेशन के मुताबिक स्टारलाइट सन के पास बेंड होनी चाहिए, पर अगर आइंस्टाइन सही है तो वो डेविएशन न्यूटन के बताए गए डेविएशन से 2 गुना ज्यादा होना चाहिए और ऐसा ही हुआ। एडिंगटन के रिपोर्ट में यह पता चला कि स्टार्स की डिफ्लेक्शन आइंस्टाइन के कैलकुलेशन के पास आई। हाँ, वो कैलकुलेशन एकदम करेक्ट नहीं थी, बट स्टिल जो भी थी वो इतनी इन्फ्लुएंशियल थी जिसने हमारे यूनिवर्स के सभी कॉन्सेप्ट को चेंज करके रख दिया। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस की खबर 7 नवंबर 1919 में टाइम्स ऑफ लंदन में छपी और उसके बाद ही ये खबर चारों ओर फैल गई। आइंस्टाइन, जिसको पहले केवल एक फिजिक्स का साइंटिस्ट माना जाता था, वो रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गया। इसके बाद ही आइंस्टाइन की जिंदगी पूरी बदल गई। उनको टीवी शोज में, अवार्ड्स में, फंक्शंस में, मैगजीन के कवर पर, सब जगह आइंस्टाइन ही थे। ये सब केवल एक थ्योरी प्रूव करने से हुआ और इसी वजह से आइंस्टाइन के मरने के बाद भी आज तक आइंस्टाइन को एक जीनियस और लेजेंड माना जाता है। उस एक्सपेरिमेंट के बाद दशकों तक लोग जनरल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को एक्लिप्स के फोटोग्राफ से टेस्ट करने लगे और हर बार आइंस्टाइन की थ्योरी सही साबित हुई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, वैसे वैसे साइंटिस्ट इसके बारे में और जानने लगे। जनरल रिलेटिविटी ने आज साइंटिस्ट को एडवांस कॉन्सेप्ट को जानने पर मजबूर कर दिया है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्लैक होल, और इसी की वजह से 2019 में ये फोटो आई, मैनकाइंड की ली गई सबसे पहली ब्लैक होल की फोटो। ना, अब बाकी का काम फिलहाल के लिए तो साइंटिस्ट का ही है और वो आगे आने वाले सालों में क्या क्या प्रूफ करते हैं वो तो हम जानते ही रहेंगे। बट अभी एक काम आपका है, आप लोगों का जो ये वीडियो देख रहे हो, और वो काम है इस वीडियो को लाइक और शेयर करने का, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करने का। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस हर हफ्ते इस चैनल पर आती रहती है, सो अगर आप नए हो तो आइडिया क्रिएशंस को सब्सक्राइब करो। उसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो ताकि हम स्पेस, टाइम और साइकोलॉजी और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात कर सकें। सो दिस इज इट गाइज, दिस वॉज सूर्यश फ्रॉम आइडिया क्रिएशंस साइनिंग ऑफ। चीयर्स।